नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे नौकरी पाने के अचूक उपायों की। नौकरी पाने में किन ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्यों मनचाही नौकरी मिलने में मुश्किलें आती हैं, पंडित शैलेंद्र पांडे जी करेंगे आपकी हर मुश्किल का समाधान, जानेंगे विशेष उपाय और साथ ही साथ लेंगे आपके सवाल भी। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में सामान्य आवश्यकताएं, अन्न की, वस्त्र की, भोजन की, चिकित्सा की, ये जो सामान्य ज़रूरतें हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा पूरी होती रहें, तो जो भी पैसा आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा, 1% 2% जितना भी संभव हो, अपनी आय का कुछ हिस्सा सद्कार्यों में, अच्छे कार्यों में दान जरूर करें। अगर अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आप नियमित रूप से दान करते रहेंगे तो आपकी जीवन में जो सामान्य ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी होती रहेंगी। तो आप भी इस प्रयोग को आजमा सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल गुड लक मंत्र से आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 26 मार्च का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 26 मार्च 2022, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात के 8:01 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर के 2:47 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:28 तक। राहु काल का समय सुबह के 9 से लगभग 10:30 तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात आज के हमारे विषय की कर लेते हैं, जहां पर नौकरी की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल यही पंडित जी से कर लेते हैं कि नौकरी पाने में किन ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंडित जी, देखिए, वैसे तो जो 9 हैं वो अपने स्वभाव के हिसाब से हर ग्रह कोई ना कोई नौकरी देता है। सूर्य की नौकरी अलग होती है, चंद्रमा की अलग होती है, राहु की नौकरियां अलग होती हैं। तो हर ग्रह अपने स्वभाव के हिसाब से आपको एक नौकरी देता है, लेकिन नौकरी के पीछे मुख्य रूप से जिस ग्रह की भूमिका होती है वो होता है शनि। यानी नौकरी के पीछे सबसे ज़्यादा अहम जो रोल होता है वो शनि का होता है। और आप देखिए, शनि को ग्रहों में सेवक माना जाता है, सेवा करने वाला, और नौकरी भी जो है, जॉब भी जो है, वो सेवा है। इसीलिए शनि के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। शनि के बाद राहु और केतु, ये भी नौकरी में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी शनि भी नौकरी देता है और बहुत बार राहु और केतु भी नौकरी प्रदान करते हैं। कुंडली का जो 6वां भाव है, 6th है, ये आपकी नौकरी का भाव है, बड़ा महत्वपूर्ण है नौकरी के लिए। और कुंडली का जो 11वां भाव है, चूंकि वो 6 से 6वां होता है, इसलिए वो भी नौकरी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब जिस तरह के क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के मुख्य ग्रह को अगर आप मजबूत करें तो उस क्षेत्र में नौकरी आप पा सकते हैं। यानी अगर आप जिस तरह, मान लिया इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग के मुख्य ग्रह को मजबूत करें। मेडिकल में जाना है तो मेडिकल के मुख्य ग्रह को मजबूत करें। यानी जिस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है, उस क्षेत्र के मुख्य ग्रह को अगर आप मजबूत करेंगे तो नौकरी पाना आपके लिए आसान होगा।
तो कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं ये तो पंडित जी ने बता दिया है, और क्या ग्रहों को मजबूत करने की भी बात पंडित जी यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे करना है मजबूत आगे हम आपको बताएंगे। पंडित जी, अगर मेडिकल चिकित्सक डॉक्टर या फिर शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी किसी को पानी हो नहीं लग रही हो तो क्या कुछ उसको करना चाहिए? देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं, फार्मेसी की पढ़ाई की है, लैब असिस्टेंट हैं, यानी मेडिकल की तरह की नौकरी चाहिए, चिकित्सक की नौकरी चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं तो क्या उपाय करें? चांदी का एक कड़ा कलाई में पहन लें, अपने दाहिनी कलाई में, या चांदी का एक छल्ला राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को धारण करें, इससे लाभ होगा। भगवान शिव को रोज सवेरे जल भी आपको अर्पित करना चाहिए, शिव जी को नित्य प्रातः जल चढ़ाएं। अगर रोज मंदिर नहीं जा सकते तो घर में एक शिवलिंग रखें और उस पर जल अर्पित करें। किसी निर्धन व्यक्ति को काली वस्तु का दान करें, किसी गरीब आदमी को काली चीज का दान करना शुरू कर दें, काले चने हों, काले तिल हों, काली दाल हो, इसका दान करना बेहतर होगा। और ये उपाय लगातार 9 दिनों तक करें, 9 दिन लगातार ये उपाय करें, आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। और इसकी शुरुआत अगर आप सोमवार से करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कुछ उपाय बताए थे पंडित जी ने, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो इन उपायों को आप भी आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे भी नौकरी किस तरीके से आपको लगानी है इसके उपाय हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, नौकरी से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी हल होंगी। मित्रों से आपको बेहतर सहयोग की प्राप्ति होगी और इस समय आपको यात्रा से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन और भी बेहतर हो जाए तो हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय, अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। हालांकि देखिए, आपके जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। क्या करना चाहिए? आप शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कारोबार में सुधार होने के योग बन रहे हैं, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, किसी प्रियजन से भेंट होती हुई आपके लिए दिख रही है। मुश्किलों को कम करना चाहते हैं, दिन को बेहतर करना है तो भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल पंडित जी ने आपको बताया है। आगे की राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नौकरी को लेकर आज हम कुछ उपायों की बात कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं, अगर आप नौकरी उस क्षेत्र में पाना चाहते हैं। लेकिन अगर तकनीकी क्षेत्र में आप नौकरी पाना चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय पंडित जी यहाँ पर लोगों को करने होंगे? अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, मशीनरी के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हो तो क्या करेंगे? लोहे का एक छल्ला ले लीजिए, लोहे की एक रिंग, आयरन रिंग, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को धारण करिए, आपको लाभ होगा।
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद शनि के वैदिक मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और ये उपाय आप शनिवार से शुरू करिए और लगातार 9 दिनों तक ये उपाय करिए, आपके नौकरी की बेहतर व्यवस्था जरूर हो जाएगी। तो ये तो उपाय हो गए तकनीकी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए, लेकिन अगर प्रशासन, पुलिस, सेना या फिर उच्च प्रशासनिक पद पर आपको नौकरी पानी हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय पंडित जी आप बता रहे हैं? अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उच्च प्रशासन का पद पाना चाहते हैं, सेना में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जाना है, तो आप जान लीजिए इसके 2 कारक होते हैं, एक होता है सूर्य और दूसरा होता है मंगल। कुछ हद तक चंद्रमा की भूमिका भी इसमें पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर इसमें भूमिका होती है सूर्य की। क्या उपाय करें प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, उच्च नौकरी पाने के लिए? एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनिएगा मंगलवार की दोपहर को। रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा, इससे भी आपको लाभ होगा। और इसके बाद वहां पर खड़े होकर के 3 बार या 9 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। इस उपाय की शुरुआत आप मंगलवार से करिए और लगातार 9 दिनों तक करते जाइए। ऐसा करने से प्रशासनिक नौकरी पाना आपके लिए आसान होगा। और एक बात समझ लीजिए, अगर आप डेली लंबे समय तक उपाय करना चाहते हैं प्रशासनिक नौकरी के लिए, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं आप हमें ईमेल करिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। फिलहाल अगली 3 राशियों की बात अब कर लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, मन की चिंताएं दूर होंगी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए, चिंता मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका तनाव कम हो, चिंता कम हो, तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। सिंह राशि, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। चीजें बहुत अच्छी हैं, इसे और अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी की उपासना करिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, ऑफिस में बेवजह के विवादों से बचाव करें, अनावश्यक विवाद न करें, धन की हानि से भी इस समय बचाव करना जरूरी होगा। और बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय शांति से और धैर्य से निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मुश्किलों से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का प्रतिशत आपका साथ निभा रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए राशियों के बाद अब आप लोगों के सवाल हम ले लेते हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आते हैं और देखते हैं आज कौन यहाँ पर लगी हुआ है, किसका सवाल पंडित जी ले रहे हैं और क्या समाधान उन्हें दे रहे हैं पंडित जी।
सत्येंद्र मिश्रा जी ने हमें मेल लिखा है, आगरा से लिखते हैं। अपने पुत्र ईशान मिश्रा के बारे में जानना चाहते हैं। ईशान की जन्म तारीख है 7 नवंबर 2012, जन्म का समय है 8:10 रात को और जन्म स्थान है आगरा। ये लिख रहे हैं, बेटे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बेटा इनका ठीक से बोल नहीं पाता है अभी तक, बेटे की शिक्षा कैसी होगी और जीवन कैसा रहेगा। देखिए सत्येंद्र जी, आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये मिथुन लग्न की है और राशि बनती है कर्क राशि। चंद्रमा आइसोलेटेड है, शनि की दृष्टि है, पंचम भाव में सूर्य शनि का संबंध है। एक तो बोलने की दिक्कत भी है, दूसरे माइल्ड ऑटिज्म भी दिखाई दे रहा है। ये जो स्थितियां हैं आपके बच्चे की, ये ज्यादातर गड़बड़ दिखाई दे रही हैं अगस्त 2023 के बाद सुधार होना शुरू होगा और बहुत हद तक आपका बेटा नॉर्मल हो जाएगा। आप 2-3 उपाय करें। एक तो अपने बेटे को एक पेरीडॉट बनवा के पहना दें, एक पेरीडॉट नाम का रत्न लगभग 10-12 रत्ती का, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में या चांदी की चेन में, बुधवार की शाम को इसके गले में पहनाएं और आप या आपकी पत्नी में से कोई एक व्यक्ति इसके लिए रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का अगर जप करें तो इसके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं और वो ये कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर कोई नौकरी पाना चाहता हो, जैसे कि बैंक हो गया पंडित जी, मार्केटिंग हो गया, फिर मैनेजमेंट हो गया, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय आप बता रहे हैं? ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बैंक है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, इसके पीछे जो ग्रह होता है उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध। बुध वाले पार्ट को अगर आप प्रबल कर लें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी पाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या उपाय करें अगर इसकी नौकरी पानी है तो? एक ओनिक्स पत्थर आता है, इसे चांदी में बनवा करके बुधवार की शाम को सबसे छोटी उंगली में दाहिने हाथ में पहन लें। गणेश जी को रोज सवेरे 3 बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, एक लड्डू खा लें और बाकी 2 लड्डू लोगों में बांट दें और उनसे प्रार्थना करें कि कॉरपोरेट क्षेत्र में आप जिस नौकरी का प्रयास कर रहे हैं वो नौकरी आपको मिल जाए। ये उपाय लगातार 9 दिनों तक करें, बुधवार से शुरू करके कॉर्पोरेट क्षेत्र में नौकरी पाना आपके लिए निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। तो अगर आप भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, नई नौकरी लग पा रही है, तो ये उपाय आप भी अपना सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। यात्रा के प्रबल योग आपके लिए बने हुए हैं, इस समय फंसा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। क्या करें? एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी दिखाई दे रही है और इस समय संपत्ति से जुड़ी हुई समस्या भी आपकी हल होगी। क्या उपाय करें कि दिन आपका और भी बेहतर हो जाए? कुछ खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई शुभ सूचना इस समय मिल सकती है जो करियर से जुड़ी हुई होगी। नौकरी में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा,
आपके लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए आखिरी तीन राशियों के बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर पंडित जी हम देखते हैं, ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि सरकारी नौकरी कैसे पाए, सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन से ग्रह इसके पीछे होते हैं और क्या कुछ उपाय आप बता रहे हैं जिसको सरकारी नौकरी चाहिए। जैसा कि रेखा ने कहा कि 100 मेल अगर आते होंगे तो 50 मेल में तो सरकारी नौकरी का सवाल होता ही है। सबसे ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। सरकारी नौकरी के पीछे मुख्य रूप से या तो सूर्य होता है या तो चंद्रमा होता है, कभी कभी मंगल भी होता है। क्या करें, सोना और तांबा बराबर मात्रा में मिला करके एक अंगूठी बनवा लें और इस अंगूठी को रविवार को दोपहर के समय पहनेंगे, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल में थोड़ी सी रोली मिलाएं और जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारे जो रोली लगी हुई है या जो लोटे में रोली बच गई है उसको अपने माथे और कंठ पर लगाएं। लगातार ये उपाय 11 रविवार आपको करना चाहिए। किसी भी रविवार से ये उपाय शुरू करें, लगातार 11 रविवार तक इस उपाय को करें। अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं तो ये उपाय करने से निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो चलिए, उन लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो लोग हमें सरकारी नौकरी को लेकर यहाँ पर मेल करते हैं। उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बता दिए हैं, तो इन उपायों को आप आजमा लीजिए और उम्मीद करते हैं कि शायद आपको भी सफलता हासिल हो जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी तीन राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, नौकरी में प्रेशर इस समय थोड़ा परेशान कर सकता है, नौकरी में दबाव रह सकता है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा और संभव हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखिएगा। मुश्किलों से अगर बचना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी इच्छा इस समय आपकी पूरी होगी, ये संभावना दिख रही है। आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, करियर को लेके जो चिंताएं थीं, दिक्कतें थीं, उनमें सुधार होता दिख रहा है। करियर की स्थिति बेहतर होगी, परिवार की समस्या भी इस समय हल हो जाएगी और वाहन का लाभ भी इस समय हो सकता है, यानी सितारे ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर मेहरबान हैं। क्या करें, कुछ खाने पीने की चीज किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो नौकरी किस तरीके से आप पा सकते हैं, ये लगातार हम आज कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए नौकरी पाने के लिए, ये आपने जाना। इसके बाद ही एक और सवाल मेरे जहन में पंडित जी यहाँ पर ये आता है, क्योंकि रत्न हम अक्सर पहनते हैं कई सारी जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए, तो ऐसे में नौकरी के लिए भी कई सारे रत्नों की बात जो ज्योतिष होते हैं वो करते हैं, तो कौन सा रत्न यहाँ पर सही होता है उन लोगों के लिए जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और कैसे वो रत्न पहन के नौकरी पा सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि नौकरी का जो कारक है, नौकरी का जो मुख्य ग्रह है वो शनि है, और अगर शनि आपकी कुंडली में कमजोर है लेकिन आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में आप नीलम या ब्लू टोपाज पहन करके शनि को बलवान कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का शनि खराब है वो तो नीलम पहनेंगे नहीं, तो ऐसे लोग अगर मोती पहने तो मोती पहनने से भी नौकरी प्राप्त कर पाना या नौकरी में लंबे समय तक काम कर पाना आसान होता है। लेकिन आप नीलम पहनना चाहते हैं नौकरी के लिए या मोती पहनना चाहते हैं, जो भी पहनना चाहते हैं, कुंडली का पूरी तरह से अध्ययन करा के किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेकर के तब पहनिएगा, ताकि आपको नौकरी आसानी से मिल सके और नौकरी से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो सकें। फिर बता दूं, नीलम या मोती नौकरी दिलाने में बहुत सहायता करते हैं ऐसा देखा गया है, लेकिन आप बिना किसी विद्वान के सलाह के सीधा नीलम और मोती पहनने का प्रयास मत करिएगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि कौन सा रत्न यहाँ पर आपको पहनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अलर्ट भी किया है पंडित जी ने कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी मत पहन लीजिए, नीलम हो या फिर मोती हो, किसी से पूछकर ही उसको ज़रूर पहने। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पंडित जी यहाँ पर ये भी लेते हैं, क्योंकि पूजा अर्चना हम लोग करते हैं अक्सर, तो ऐसे में नौकरी अगर नहीं लग पा रही है किसी की और वो पूजा अर्चना करना चाह रहा है, तो किस भगवान को प्रसन्न करके यहाँ पर नौकरी में सफलता हासिल की जा सकती है या फिर नौकरी पाई जा सकती है? दो उत्तर हैं इसके। पहला तो जैसा मैंने हर बार बताया कि नौकरी के पीछे का मुख्य ग्रह होता है शनि। आपको कोई भी नौकरी पानी हो, वैसे तो हमने अलग अलग क्षेत्र आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको कैसी भी नौकरी पानी हो, शनि के मंत्र का जप करना नौकरी दिलाने में हमेशा सहायता करता है। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनैश्चराय नमः। तो शनि मंत्र का रोज शाम को जप करने से आपको नौकरी मिलना आसान होगा, और शनिदेव के लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के जब बात नौकरी की हो और नौकरी पाने के लिए या नौकरी में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए या नौकरी में बेहतर सफलता के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो इसके लिए शनिदेव की पूजा करना हमेशा फायदेमंद होता है। आप उनके लिए मंत्र जप कर सकते हैं, उनके लिए दान कर सकते हैं, और उनके लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं, देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी यहाँ पर दे रहे हैं। एकता नकवाल ने हमें सवाल लिखा है, राजस्थान से लिखती है ये। जन्म की तारीख है 1 जून सन 2000, जन्म का समय है 11:55 रात को, और जन्म स्थान है इनका भीलवाड़ा, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, भविष्य कैसा रहेगा? एकता, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है वृषभ राशि। कला का क्षेत्र, संगीत का क्षेत्र, खासतौर से गाने का जो क्षेत्र है वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप संगीत के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़िए, निश्चित रूप से प्रयास करिए, ग्रह आपका साथ निभाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो स्वास्थ्य की वजहों से आपको दिक्कतें थोड़ी रह सकती हैं और अपनी पढ़ाई करने में, अपने संगीत वाले काम में आपको थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक तो एकता आप एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना,
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य देव से प्रार्थना करिए तो आपका संगीत में बेहतर करियर बन पाएगा। तो एकता को तो उनके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए, पंडित जी आपके सवालों का भी जवाब देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप जान लेते हैं 26 मार्च को जिनका जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 26 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर और धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में तरक्की करेंगे और पैसा ज्यादा और निरंतर आता रहेगा। परिवार में शुभ और मंगल कार्य इस समय हो सकता है, ये संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रहता हुआ आपके लिए इस साल में दिख रहा है। ध्यान रखिए, इस साल अपने स्वभाव को, वाणी को ठीक रखिए क्योंकि इसकी वजह से आपके रिश्तों में समस्या हो सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, ये पूरे साल भर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। पंडित जी, घर में हम देखते हैं कि सजावट के तौर पर देवी देवताओं की मूर्ति लगाई जाती है, चित्र रखे जाते हैं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या ये सही होता है या हमें नहीं करना चाहिए ऐसा? बहुत सारे लोग शोकेश में देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां लगाते हैं, खासतौर से गणेश जी का जो चित्र है वो लोग अपने घर में सजावट की तरह बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, देवी देवताओं का जो चित्र होता है या जो मूर्ति होती है ना, वो सामान्य नहीं होती है। उससे कुछ विशेष तरह की तरंगे निकलती हैं क्योंकि हम उनको देखते हैं देवी देवता के रूप में। अगर हम पत्थर के रूप में देखें तरंगे नहीं निकलेंगी, लेकिन हमको पता है कि ये देवी देवता हैं और हमारा भाव भी वैसा ही रहता है, तो उनके चित्र से या मूर्ति से विशेष तरह की तरंगे निकलती हैं और इसीलिए इनको उपयुक्त स्थान पर श्रद्धा के साथ रखना चाहिए, चाहे फोटो हो चाहे मूर्ति हो। इनको सजावट की वस्तुओं की तरह प्रयोग ना करें कि घर के कमरे का कोना खाली है तो गणेश जी की फोटो लगा दो वहाँ, और गणेश जी कोई पूजा भी नहीं रही है, कोई उपासना भी नहीं हो रही है, ऐसा मत करिए। सजावट के सामान की तरह देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज की जिज्ञासा तो हमने जान ली है, पंडित जी से बताया पंडित जी ने कि अगर आप घर में मूर्ति रख रहे हैं या फिर भगवान का चित्र लगा रहे हैं ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब सुपहर जान लेते हैं 26 मार्च का पंडित जी से। दिनांक 26 मार्च 2022 दिन शनिवार का सुपहर बताते हैं आपको। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। 26 मार्च की शाम को 6 बजे से 7:30 तक इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन ये करेंगे कब, फिर से समय नोट करें, 26 मार्च की तारीख है, शनिवार का दिन है और समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आपको भी कोई शुभ काम करना है तो इस समय पर आप कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो आइए जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज का महा उपाय। अगर आपकी शनि की 7:30 चल रही है या ढैया चल रही है और वो उतर रही है, जैसे इस समय धनु राशि पर, तुला राशि पर और मिथुन राशि पर ढैया उतर रही है, धनु पर 7:30 उतर रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो इस समय कष्ट थोड़े ज़्यादा होंगे, मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सुबह और शाम शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः,
और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनिवार को निर्धनों को अन्न या भोजन का दान करिएगा। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करते रहें तो शनि की ढैया उतर रही हो या शनि की साढ़े साती उतर रही हो उससे आपको किसी तरह की तकलीफ या किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ नौकरी के लिए अचूक उपाय बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।